नमस्कार, एशिया नेट न्यूज हिंदी में आपके साथ मैं श्रीकांत सोनी और आपके साथ मैं हूँ राखी सिंघल। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों में इसका हिंसक प्रदर्शन भी हो रहा है। प्रदर्शन करना जायज है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अफवाहों से बचने के लिए सलाह भी दी है। 13 सवालों के जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि हिंसक प्रदर्शन ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें ताकि आपके आसपास के लोग और आपके भी कोई परेशानी नहीं हो। तो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कौन कौन से जो सवाल जो आपके अंदर रोजाना उठ रहे हैं CAA को लेकर और NRC को लेकर। तो गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है, जो गाइडलाइंस जारी की हैं, वो कौन कौन सी हैं और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब जानना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात श्रीकांत, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि CAA तो कानून बन चुका है लेकिन NRC अभी तक सिर्फ असम में लागू हुआ है, तो लोगों के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि CAA के बाद जो NRC जब लागू होगा तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या CAA में ही NRC निहित है? बिल्कुल, इसका जवाब यही है, ऐसा नहीं है। CAA अलग कानून है और NRC एक अलग प्रक्रिया है। CAA संसद से पारित होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है, जबकि देश के लिए NRC के नियम व प्रक्रिया तय होना अभी बाकी है। राखी, ये इसका जवाब दिया। असम में जो NRC की प्रक्रिया चल रही है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और असम समझौते के तहत की गई है, तो ये इसका जवाब है। दूसरा प्रश्न है, क्या भारतीय मुसलमानों को CAA और NRC को लेकर किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही अगर NRC भी लागू होता है तो ये दोनों ही कानून धर्म के आधार पर नहीं है। किसी भी धर्म को लेकर आपको परेशान या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कानून धर्म के आधार पर नहीं है। बिल्कुल, इसके बाद जो कई अफवाहें उड़ रही हैं, कई लोगों के मन में भी ये सवाल उठता है कि क्या NRC सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही होगा? इसका जवाब भी दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। ये नागरिकों का केवल एक रजिस्टर है जिससे देश के हर नागरिकों को इसमें अपना नाम दर्ज कराना होगा। एक्चुअली दरअसल मुझे ऐसा लगता है श्रीकांत, क्योंकि धर्म के आधार पर ही लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, परेशानी है कि किन धर्मों के लोगों को भारत में रहने की मान्यता दी जाएगी। तो आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि NRC में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा, तो क्या इसका जवाब जो गाइडलाइंस आपके पास है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि NRC किसी धर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। और जब NRC लागू किया जाएगा वो ना तो धर्म के आधार पर लागू किया जाएगा और ना ही उसे धर्म के आधार पर लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत जानने वाली बात है कि किसी भी धर्म के आधार पर इन कानून को लागू नहीं किया जा सकता, ये बात आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लीजिए। बिल्कुल, इसके अलावा राखी एक जो सवाल है, क्या NRC के जरिए मुस्लिमों से भारतीय होने का सबूत मांगा जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए जाना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर NRC जैसी कोई औपचारिक पहल शुरू नहीं की गई है। सरकार ने न तो कोई आधिकारिक घोषणा की है और ना ही इसके लिए कोई नियम कानून बनाए गए हैं। ये जरूर है कि भविष्य में अगर ये लागू होता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि किसी से उसकी भारतीयता का प्रमाण मांगा जाएगा। NRC को आप एक प्रकार से आधार कार्ड या फिर अपने किसी पहचान पत्र के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि नागरिकता के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको आपके लिए जो आपका पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड है वो ही आपके लिए सर्वमान्य होगा, वही दस्तावेज के रूप में आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण भी सवाल है राखी, नागरिकता कैसे दी जा सकती है? ये प्रक्रिया सरकार के हाथ में होगी, लेकिन इसका जवाब है, नागरिकता नियम 2009 के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय की जाएगी। ये नियम नागरिकता कानून 1955 के आधार पर बना है। ये नियम सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक बनने के 5 वो तरीके हैं। 5 तरीके क्या है, मैं आपको बता दूं। जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, 4 देशीयकरण के आधार पर नागरिकता और 5 भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता। बिल्कुल, और एक और जो कंफ्यूजन है NRC को लेकर वो ये है कि क्या जब NRC लागू होगा तो क्या आपके माता पिता जो आपके पेरेंट्स हैं उनका विवरण भी आपसे मांगा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपको अपने जन्म का विवरण, जैसे जन्म की तारीख, महीना, साल, जब भी आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में और स्थान के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देनी होगी, जो आपके पहचान पत्र में भी निहित है, आधार कार्ड में या फिर आपका जो पैन कार्ड होता है, सब में आपकी जानकारी ये निहित रहती है। अगर आपके पास अपने जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है, तब आपको अपने माता पिता के बारे में यही विवरण उपलब्ध कराना होगा। लेकिन कोई भी दस्तावेज माता पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। जन्म की तारीख और जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा कर नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर भी निर्णय होना अभी बाकी है, इस पर सरकार मंथन कर रही है। इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, बीमा के पेपर, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर के कागजात या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को शामिल करने की संभावना भी बताई जा रही है। इन दस्तावेजों की सूची ज्यादा लंबी होने की संभावना है, ताकि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशानी ना उठानी पड़े। यानी कि सरकार हर कदम पर ये कोशिश कर रही है कि भारतीय नागरिक को किसी भी कदम पर परेशान ना होना पड़े। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण और सवाल इसमें है राखी, कि क्या अगर NRC लागू होता है तो मुझे 1971 से पहले की वंशवाली को, जो वंशवाली है उसको साबित करना पड़ेगा, वंशवाली का ब्यौरा देना पड़ेगा? ये एक सवाल है, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर है 1971 से पहले की वंशावली के लिए आपको किसी प्रकार के पहचान पत्र या माता पिता या पूर्वजों के जन्म प्रमाण पत्र जैसे किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वहीं ये भी एक सवाल उठ रहा है कि अगर पहचान साबित करना इतना ही आसान है, तो फिर असम में 19 लाख लोग कैसे NRC से बाहर हो गए? तो आपको इसका जवाब भी हम दे देते हैं। असम की समस्या को पूरे देश से जोड़ना ठीक नहीं होगा। वहाँ घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जिस पर लगातार जो सरकार है वो आपको जवाब दे भी रही है। इसके विरोध में वहाँ 6 सालों तक आंदोलन भी चला है, और ये भी है कि इस घुसपैठ की वजह से राजीव गांधी सरकार को 1985 में एक समझौता करना पड़ा था, जिसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट माना गया, जो NRC का आधार बना है। वंशावली से जुड़े कोई दस्तावेज तो आपको नहीं देने होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या NRC के लिए मुश्किल और पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिन्हें आप जुटा पाना मुश्किल होगा? उसका उत्तर भी दिया है कि पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेज की जरूरत होगी आपको। राष्ट्रीय स्तर पर NRC की घोषणा होती है, तो उसके लिए सरकार ऐसे नियम और निर्देश तय करेगी जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। सरकार की मंशा नहीं हो सकती है कि वो अपने नागरिकों को परेशान करे या उन्हें किसी दिक्कत में डाले। बिल्कुल, और आपको एक और हम सवाल का जवाब दे देते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास संबंधित दस्तावेज भी नहीं है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे? तो इसका जवाब ये है कि इस मामले में अधिकारी उस व्यक्ति को गवाह लाने की इजाजत देंगे, साथ ही अन्य सबूतों और कम्युनिटी वेरिफिकेशन की भी अनुमति दी जाएगी। एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, किसी भी भारतीय नागरिक को अनुचित परेशानी में नहीं डाला जाएगा। बार बार ये सभी सवालों के जवाबों में जिस तरीके से सरकार ने मेंशन किया है कि किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल राखी, लेकिन भारत में ऐसे कई लोग हैं कि ये सवाल हैं, जो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनके लिए क्या? बिल्कुल, तो इसका जवाब भी सरकार ने दिया है, गाइडलाइंस जारी की है। उन्होंने कहा ये सोचना पूरी तरीके से सही नहीं है। ऐसे लोग किसी न किसी आधार पर वोट डालते हैं और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, और ये बिल्कुल सही भी है, और उसी के आधार पर उनकी पहचान भी हो जाएगी। बिल्कुल, 13वां जो सवाल है वो क्या है, उसको क्या समझाया, उसके लिए क्या कहा? बिल्कुल, सवाल ये है कि क्या NRC किसी ट्रांसजेंडर, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला और भूमिहीन लोगों को बाहर करता है जिनके पास दस्तावेज नहीं है? और इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। NRC जब कभी भी लागू किया जाएगा, इसके जो ऊपर जितने भी सवालों के जवाब हमने आपको दिए हैं, किसी भी समूह को उस तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। और ये चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से देश में हिंसा बढ़ रही है, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो उसके बाद सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। आप इन गाइडलाइंस को प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। हर न्यूज़पेपर, हर वेबसाइट पर ये गाइडलाइंस डाली हुई हैं, आप अच्छे तरीके से इनको समझिए और किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनको समझने की आपको ज़रूरत है।
बिल्कुल, कोई भी कंफ्यूजन होगा आपको तो ये जो गाइडलाइन, ये जो 13 सवालों के जवाब दिए, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ये बयान दिया था राखी कि जो भारत में रह रहे मुसलमान उनको किसी बात से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये बयान दिया जा चुका है। और अब ये गाइडलाइन जारी की है कि हिंसक जो प्रदर्शन लगातार हो रहा है वो ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी बात का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो सीधे बात करने के लिए भी तैयार हैं, इसीलिए ये गाइडलाइन जारी की गई। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एनआरसी SCA किसी भी धर्म के आधार पर नहीं है, और अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो प्लीज उसको निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही कानून धर्म के आधार पर नहीं। बिल्कुल, एशिया नेट न्यूज हिंदी पर आप देख रहे थे ये जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, इसकी रिपोर्ट। बाकी खबरों और अपडेट के लिए लाइक करें आप हमारा पेज। नमस्कार।